स्टूडेंट कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विद रिचा। स्टूडेंट हम सॉल्यूशन देख रहे थे क्लास 12th के लिए, और इससे पहले तीन लेक्चर या क्लास आप देख चुके हैं। आज फोर्थ लेक्चर है, आज है लेक्चर 4, या हम कह सकते हैं आज हमारी क्लास का पार्ट 4 है। स्टूडेंट थर्ड पार्ट पे हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन स्टडी किया था, जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था कि डिफरेंट टाइप के जो प्रोसेस होते हैं, जैसे मोलरिटी, ग्राम पर लीटर्स, ये सब और फॉर्मेलिटी तक डिस्कस किए थे। अब इसके आगे कुछ और भी हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट इन पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, मोस्टली इनमें लगभग सभी में फॉर्मूला चेंज है, सेम ही होता है, बस एक दो या टर्म चेंज होती है। जैसे अगर हम मोलरिटी निकाल रहे होते हैं तो उस जगह मोलरिटी लिख देते हैं, अगर फॉर्मेलिटी निकाल रहे होते हैं तो फॉर्मेलिटी लिख देते हैं, ठीक है। अब आज हम देखते हैं मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन is defined as the number of moles of solute, dissolved per 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर 1000 ग्राम या 1 केजी भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। मोलरिटी कॉन्सेप्ट्स में अगर हम देखें तो इसकी यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, मोल पर केजी। अब आप डिफरेंस देखिए, फॉर्मेलिटी में क्या था कि जो हमने सॉल्यूट को जो हम मेजर कर रहे थे, मैं आपको बता रही हूँ फॉर्मेलिटी में जो हम ये कर रहे थे, तो नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, ठीक है, मोल्स की जगह पे। मोलरिटी में क्या हो जाएगा, सॉल्यूट को जो हम मेजर करेंगे वो नंबर ऑफ मोल्स में करेंगे, और जो आपका सॉल्वेंट होगा, अभी तक हम लीटर में ले रहे थे लेकिन अब आपका सॉल्वेंट ग्राम प्रति लीटर यानी 100 ग्राम में या 1 केजी में हम उसको मेजर करेंगे। अब आपका यहाँ पे सॉल्वेंट जो होगा वो केजी में मेजर किया जाएगा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इक्वल टू एम इक्वल टू एन अपॉन डब्ल्यू, ओके, ठीक है। अब इसमें अगर मैं डब्ल्यू देखूं, यानी डब्ल्यू इक्वल टू एम मल्टीप्लाई एम डैश अपॉन डब्ल्यू अपॉन 1000। अब इसमें प्रेजेंट जितने हम टर्म्स यूज कर रहे हैं मैं वो आपको बता देती हूँ किसके लिए हम क्या डिनोट कर रहे हैं। W फॉर क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ओके। एंड नेक्स्ट इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम एम डैश मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल,
एंड डब्ल्यू इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम एंड एम इक्वल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक वी आर टेकिंग इज द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज डिनोटेड बाई एन कैपिटल एन। वॉट इज द नॉर्मेलिटी? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। वॉट वी आर सेइंग? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड द नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। द नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। ओके, फॉर्मूले के थ्रू अगर हम इसको देखेंगे तो नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, नाउ वी आर नेक्स्ट टेकिंग मोल फ्रैक्शन। इट इज द लास्ट टॉपिक। मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शंस? इसमें हम जो सॉल्यूट लेंगे वो उसमें मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। मैं लिख के बताती हूँ आपका, द मोल फ्रैक्शन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट कॉम्पोनेंट इन अ सॉल्यूशन कॉम्पोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ that component of that component
टू द टोटल नंबर, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. ओके, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, फिर से देख लेते हैं. मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट, किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट के जो मोल फ्रैक्शन होते हैं, यानी एक सॉल्यूशन में जितने मोल फ्रैक्शन घुले होते हैं, क्या होता है? इज द रेशियो ऑफ ए मोल्स दैट कंपोनेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने कंपोनेंट होते हैं, उसमें प्रेजेंट कंपोनेंट्स को मोल फ्रैक्शन के थ्रू हम मेजर करते हैं. किस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको देख सकते हैं? लेट्स सी. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन कंपाउंड, ऑफ द गिवन कंपाउंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन. अब इसको हम जो होता है, इफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग एन ए, मान लीजिए कोई भी सॉल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स जो हैं ए एंड बी हैं, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शंस को हम तो ए के अंदर मोल फ्रैक्शन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ए अपॉन नंबर्स ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन ए एंड बी. जिसे मोल कंसेप्ट में पहले बताया था, ये दोनों क्या होता है? सॉल्यूशन की तरह डिफाइन करते हैं. और अगर आपका मान लीजिए बी के कंपोनेंट्स निकाल लें, तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के बी के, और यहाँ पे फिर से आपका एन ए प्लस एन बी, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इस तरह से हो जाएगा. मोल फ्रैक्शन इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर. अब स्टूडेंट आज के लिए क्लास यहीं तक, और इसके बाद मैं आपको कुछ इसमें एक दो एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स के बताऊंगी, ठीक है. क्लास आपको समझ में आई हो तो लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तथा और जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक. आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू.